मूवी की शुरुआत में हमें कंट्रोल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्कस का हेड है। वो अपने सबसे भरोसेमंद आदमी जिम को बुलाता है और उसे बोलता है कि जिमी बॉय, तुम्हारे पास एक हंगेरियन आइडेंटिटी भी है ना, तुम बुडापेस्ट जाओ और एक हंगेरियन जनरल से मिलो, उसके पास बेशकीमती इन्फॉर्मेशन है। वो जनरल जानता है कि हमारी एजेंसी में रशियन मोल कौन है। इसके बाद जिम बुडापेस्ट पहुंच जाता है और हंगेरियन जनरल से मिलता है, मगर यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब रशियन का ट्रैप था, उन्होंने पूरी स्ट्रीट को सिक्योर कर रखा था। यहाँ पर जिम को एक वेटर गोली मार देता है जिससे शायद जिम मर जाता है। ये वेटर असल में एक रशियन एजेंट था और इस इंसिडेंट की वजह से कंट्रोल और उसके राइट हैंड मैन जॉर्ज स्माइली को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है और फिर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद कंट्रोल, जो कि ऑलरेडी बीमार था, वो गुजर जाता है। अब ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्कस का न्यू हेड पर्सी एलेलाइन है। इसके बाद पर्सी और उसका साथी रॉय ब्रिटिश इंटेलिजेंस के इंचार्ज ओलिवर से मिलकर अपने स्पेशल ऑपरेशन विचक्राफ्ट के लिए फंड की रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि लंदन में एक सेफ हाउस होगा जिसका किसी को भी कुछ पता नहीं होगा। असल में विचक्राफ्ट ऑपरेशन इनके रशियन सोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, मगर ओलिवर कहता है कि पहले सर्कस के अंदर मौजूद रशियन स्पाई को ढूंढो। और यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस से इन्फॉर्मेशन शेयर करना बंद कर दिया है क्योंकि सर्कस में रशियन मोल मौजूद है। इसके बाद हमें पीटर गोयलम और बिल हेडन दिखाए जाते हैं। बिल सर्कस के चीफ पर्सी का डिप्टी है और ये महाशय अपने ऑफिस तक साइकिल ले आते हैं और ऑफिस लेडीज को देख देख कर घंटियां बजाते हैं। इसके बाद रिकी टार नाम का एजेंट ओलिवर से कॉन्टेक्ट करके उसे कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देता है और एंड में रिकी टार ओलिवर से कहता है कि सर, आप मेरी आइडेंटिटी पीटर गोयलम से कंफर्म कर सकते हैं। इसी बीच जॉर्ज स्माइली अपने दिन टीवी देख देख कर काट रहा होता है तो उसे ओलिवर अपने पास बुलाकर कहता है कि मुझे रिकिटार नाम के रोग एजेंट का कॉल आया था। उसने बताया कि सर्कस में कोई रशियन मोल है और वो भी हाई पोजीशन पर। ओलिवर कहता है कि मिस्टर स्माइली, आप रिटायर हो चुके हैं और अब आप सर्कस का पार्ट भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी एजेंसी में मौजूद मोल को ढूंढ निकालें, क्योंकि प्रीवियस चीफ ऑफ सर्कस कंट्रोल को भी सर्कस में मोल होने का डाउट था। तो स्माइली ओलिवर से पीटर गोयलम और रिटायर्ड एजेंट मेंडल की डिमांड करता है। इसके बाद स्माइली और पीटर मेंडल से मिलकर उसे साथ ले जाते हैं। इसके बाद स्माइली और पीटर प्रीवियस चीफ कंट्रोल के फ्लैट जाते हैं, जहां पर स्माइली को कुछ चेस पीस दिखते हैं जिन पर सर्कस के हाई ऑफिशियल्स के फोटो लगे हुए थे। तो स्माइली को एक फ्लैशबैक आता है कि कुछ टाइम पहले एक मीटिंग में पर्सी और उसके ग्रुप ने रशियन इन्फॉर्मेशन की एक फाइल प्रेजेंट की थी, मगर कंट्रोल के पूछने पर पर्सी ने न तो अपने सीक्रेट सोर्स के बारे में बताया और न ही ढंग से कोई इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि इस फाइल की इन्फॉर्मेशन शुरू से ही फेक लगती है। मगर पर्सी अपना विचक्राफ्ट ऑपरेशन चालू करने की डिमांड कर रहा था तो कंट्रोल इस सब के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि पर्सी ने उसे बाईपास करके ओलिवर से बात की थी। जब स्माइली का फ्लैशबैक एंड होता है तो वो देखता है कि इन चेस पीसों में उसका भी एक चेस पीस मौजूद है, तो ये लोग कंट्रोल का सारा सामान एक होटल ले आते हैं। यहीं पर स्माइली ने अपना सीक्रेट अड्डा बनाया हुआ है और इन सामानों में इन्हें एक स्पेशल पीस भी मिलता है जो कि कार्ला नाम के एक आदमी का था। इसके बाद स्माइली पीटर से सर्कस के उन लोगों के रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहता है जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं, तो पीटर सीक्रेट फाइल निकाल लाता है। इसके बाद होटल में पीटर स्माइली को बताता है कि सभी रिटायर्ड पर्सन्स में से दो लोग ऐसे हैं जिन्हें फोर्सफुली रिटायर किया गया था, जिनके नाम है जेरी वेस्टरबी और कोनी सैच है। इसके बाद पर्सी अपने सुपीरियर से रिक्वेस्ट करता है कि अब हमें अमेरिकन इंटेलिजेंस से इन्फॉर्मेशन ट्रेड करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि विचक्राफ्ट के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे अमेरिकन जरूर जानना चाहेंगे, जिसके लिए वो सुपीरियर मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्माइली कोनी से मिलने जाता है तो कोनी बताती है कि मैं रिटायर नहीं हुई थी, बल्कि मुझे निकाला गया था क्योंकि मैंने पर्सी वगैरह को शो किया था कि एलेक्सी पोलाकोव एक हाई सोवियत स्पाई है, क्योंकि मैंने उसे एक वीडियो में मिलिट्री सैल्यूट रिसीव करते हुए देखा है। और एलेक्सी जब लंदन आया था तो उसकी इन्फॉर्मेशन में कहीं भी मेंशन नहीं था कि वो मिलिट्री में रह चुका है। अगर वो मिलिट्री में था तो उसने ये इन्फॉर्मेशन हाइड क्यों की, और अगर नहीं था तो उसने एक ऑफिशियल से सैल्यूट रिसीव क्यों किया। हो न हो एलेक्सी एक रशियन स्पाई है। इसके बाद कोनी पुराने दिन याद करके स्माइली को फोटो भी दिखाती है जिसमें जिम और बिली हेडन काफी क्लोज दिखाई देते हैं। इसके बाद स्माइली अपने रूम आकर एलेक्सी का फोटो भी एक चेस पीस पर लगा देता है और छानबीन के दौरान स्माइली को पता चलता है कि जिम, जो कि एक साल पहले मर चुका था,
उसकी हिडन आइडेंटिटी एलिस को हर महीने 1,000 पाउंड भेजे जा रहे हैं। तो स्माइली को कुछ डाउट होता है कि मरे हुए आदमी को पैसा कौन भेजेगा। असल में गाइस, जिम मरा नहीं था, उसे सोवियत एजेंट्स ले गए थे। उसके साथ तब क्या हुआ उसका कुछ भी पता नहीं, मगर फिलहाल जिम सभी एजेंसी से छुपकर एक स्कूल में टीचर का काम कर रहा है। वहीं जब स्माइली अपने घर पहुंचता है तो उसे घर में रिकी टार मिलता है। रिकी कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ, फिर भी मुझे हंट किया जा रहा है। रिकी टार बताता है कि लास्ट नवंबर पीटर गुइलम ने मुझे इस्तानबुल भेजा था एक रशियन आदमी को परसुएट करने, ताकि वो डिफेक्ट करके हमें रशियन इन्फॉर्मेशन दे सके। मगर वो रशियन आदमी जिसका नाम बोरिस था वो बिल्कुल भी काम का नहीं निकला, तो मुझे वापस लौटने के ऑर्डर मिले। मगर वहां मेरे लास्ट स्टे वाले दिन मुझे बोरिस की वाइफ का पता चला, तो मुझे इंस्टिंक्टिवली लगा कि इससे जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उस लेडी का नाम इरीना था। जब बोरिस अपने रूम में नहीं था तब मैं उस लेडी से मिलने गया और धीरे धीरे हमारा रोमांस चालू हो गया। मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे उसे सारे राज उगलवा लूंगा, मगर इरीना को शुरू से ही मेरी सच्चाई पता थी और वो एक रशियन स्पाई थी। इरीना ने मुझसे डिमांड की कि हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बदले इरीना को एक न्यू आइडेंटिटी के साथ न्यू लाइफ दें इस स्पाई वॉरफेयर से दूर। तो मैंने और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, मगर इरीना ने सिर्फ ये बताया कि मैं सर्कस में मौजूद रशियन मूल के बारे में बता सकती हूँ, मगर मुझे न्यू लाइफ चाहिए। रिकिटर बताता है कि फिर मैंने इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज स्टेशन से सर्कस भेजा और फिर मैंने सर्कस से रिप्लाई का इंतजार किया, मगर अगले दिन इन्फॉर्मेशन स्टेशन मास्टर मुझे मरा हुआ मिला। तो मैं जल्दी से इरीना को इन्फॉर्म करना चाहता था कि इन्फॉर्मेशन लीक हुई है और रशियन एजेंट एक्टिव हो चुके हैं, मगर मुझे तो सिर्फ इरीना के हस्बैंड की डेड बॉडी मिली और पता लगा कि इरीना को 2 लोग हार्बर ले गए हैं। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, सर्कस ने मुझे एक रोग एजेंट घोषित कर दिया। नेक्स्ट डे स्माइली पीटर से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए लास्ट नवंबर की ड्यूटी लॉग बुक लानी होगी, ताकि पता लगाएं कि नवंबर में कौन किस दिन ड्यूटी पे था, मगर ध्यान रहे ये काम काफी खतरनाक होगा। तो पीटर बड़ी सावधानी से लॉग बुक कीपिंग वाली जगह पहुंच जाता है और लास्ट नवंबर वाली फाइल चुरा लाता है। मगर इसी दौरान सर्कस चीफ के आदमी टोबी को पीटर पर शक होता है, तो वो पीटर को पर्सी के मीटिंग रूम में ले आता है, जहां पर बिल, रॉय और पर्सी पहले से ही मौजूद थे। पर्सी पीटर पर काफी भड़कता है और कहता है कि रिकी टार तुम्हारा ही आदमी था ना, जो अब बागी हो गया है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि रिकी टार यहां पे आया हुआ है और ताज्जुब की बात यह है कि हाल फिलहाल में रिकी टार के अकाउंट में 30,000 पाउंड जमा हुए हैं और एक बागी के अकाउंट में आखिर कौन पैसे डालेगा। पर्सी बोलता है कि अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन रिकी टार के बारे में मिले तो सिर्फ हम चारों को बताना। इसके बाद जब पीटर होटल वापस जा रहा होता है तो मैंडल पीटर को रोक के दूसरी जगह ले आता है, क्योंकि अब होटल सेफ नहीं है। तो जब पीटर न्यू वर्क प्लेस पहुंचता है तो उसे वहां पर रिकी टार मिलता है। पीटर फिर रिकी को काफी पीटने लगता है, क्योंकि रिकी की वजह से ही पीटर को अपनी एजेंसी में जासूसी करनी पड़ी और उसी की वजह से पर्सी ने उसे इतना सुनाया। इसके बाद स्माइली पीटर की लाई हुई फाइल चेक करता है तो रिकी टार की बताई हुई डेट वाले दिन का लॉग बुक का पेज फटा हुआ था, यानी कोई अपने राज छुपा रहा है। मतलब जब रिकी टार ने इस्तानबुल से इन्फॉर्मेशन भेजी उसे किसी ने रिसीव किया होगा और उस आदमी का रिकॉर्ड ड्यूटी लॉग बुक में जरूर शो हुआ होगा। तो इन्फॉर्मेशन रिसीव करने वाले आदमी ने लॉग बुक का पेज फाड़ दिया और दूसरी तरफ इस्तानबुल में बोरिस और स्टेशन मास्टर का मर्डर हो गया, यानी इन्फॉर्मेशन रिसीव करने वाला आदमी ही रियल मोल है। इसके बाद स्माइली पीटर को बताता है कि 1955 में मैं रशियन स्पाई मास्टर कार्ला से मिला था जब वो कोई और नाम यूज करता था। उस टाइम कार्ला को रशिया में किसी वजह से एग्जीक्यूट किया जाना था, तो मैंने मौका देखकर उसे हमारे लिए काम करने का ऑफर दिया और उसे कहा कि बदले में हम उसे न्यू लाइफ दे देंगे। मगर उन बातों में कार्ला को मेरी वीकनेस पता चल गई और वो थी मेरी वाइफ के लिए मेरा प्यार। जब तक मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक कार्ला रशिया के लिए निकल चुका था, जबकि उसे पता था कि रशिया में उसे फांसी होने वाली है। कार्ला एक फैनेटिक रशियन देशभक्त था और रशिया ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया इसका पता नहीं, मगर कार्ला ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके बाद स्माइली और पीटर जेरी वेस्टबरी से मिलकर पूछताछ करते हैं, तो जेरी बताता है कि जब जिम मारा गया तो सबसे पहले मुझे न्यूज मिली थी, तो ये न्यूज मैंने कंट्रोल को बताई थी, तो कंट्रोल किसी वजह से शॉक में चला गया, तो मैंने सेकंड इन कमांड सर स्माइली आपके घर कॉल किया, मगर फोन आपकी वाइफ ने उठाया और उसके थोड़ी ही देर बाद सर बिली हेडन ने ऑफिस आकर ये मैटर अपने अंडर ले लिया। पीटर को डाउट होता है कि जेरी ने सिर्फ कंट्रोल और तुम्हारी वाइफ को न्यूज बताई थी तो बिल हेडन को कैसे पता चला। तो स्माइली को क्लियर हो जाता है कि उस दिन जब मैं बर्लिन गया हुआ था तो उस रात बिल हेडन मेरे घर पे मौजूद था
और उसका मेरी वाइफ एन से अफेयर चल रहा था। इसके बाद स्माइली जिम को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच जाता है जहां जिम बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तो जिम स्माइली को कंट्रोल के साथ अपनी लास्ट कन्वर्सेशन बताता है कि कंट्रोल के हिसाब से पर्सी, बिल, रॉय, टॉबी और तुम स्माइली, तुम में से ही कोई एक रशियन मोल है और उसने तुम लोगों को कोड नेम में दिए थे, जैसे पर्सी को टिंकर, बिल हेडन को टेलर, रॉय को सोल्जर, टोबी को पुअर मैन और स्माइली तुम थे बैगर मैन। और गाइस ये वही चेस पीसेस थे जो स्माइली को कंट्रोल के घर से मिले थे। जिम कंटिन्यू करता है कि जो आदमी मुझे बुडापेस्ट में मिला था वो जनरल नहीं था और मुझे गोली मारने के बाद वो लोग मुझे कहां ले गए पता नहीं, उन्होंने मेरा मेंटल टॉर्चर किया। फिर एक दिन एक हाई ऑफिशियल आया और उसने मेरे सामने एक प्रिजनर को मार दिया। असल में गाइस जिम जिस प्रिजनर के बारे में बता रहा है वो और कोई नहीं इरिना ही थी, जो कि रिकी टार की लवर थी। इसके बाद जिम बताता है कि फिर न जाने क्यों मुझे एक आदमी ने तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ के बारे में पूछा और उसने एक लेटर भी दिखाया जिस पर टू जॉर्ज फ्रॉम एन ऑल माई लव लिखा था। तो स्माइली समझ जाता है कि वो आदमी रशियन स्पाई मास्टर कार्ला है, जिसे 1955 में स्माइली ने बाय मिस्टेक अपना लाइटर दे दिया था। तो अब स्माइली को सारा माजरा समझ में आने लगता है और फिर वो ओलिवर और उसके एसोसिएट से मिलकर उन्हें बताता है कि पर्सी ने ओलिवर के थ्रू बिल पास करवाया था, जिससे पर्सी वगैरह ने लंदन में एक सीक्रेट सेफ हाउस रेंट किया जहां पर एलेक्सी नाम का रशियन पर्सी और उसकी टीम को रशियन इन्फॉर्मेशन देता था। मगर असल में इसका हो उल्टा रहा था, एलेक्सी वहां इन्फॉर्मेशन देने नहीं बल्कि लेने आता था। पर्सी, बिल, रॉय और टोबी इन चारों में से ही कोई एक रशियन मोल है और वो सारी इन्फॉर्मेशन एलेक्सी को देता है। स्माइली अपने सीनियर्स को बताता है कि अब आता है मेन पॉइंट, पर्सी ने आपसे कहकर अमेरिकन ट्रेड क्यों चालू करवाया? क्योंकि कार्ला ऐसा चाहता था, हमारी एजेंसी में तो ऑलरेडी उसके एजेंट थे, तो वो एलेक्सी के थ्रू लो ग्रेड इन्फॉर्मेशन सर्कस से और अमेरिका से शेयर करता रहा और बदले में अमेरिका जो भी हाई ग्रेड इन्फॉर्मेशन सर्कस से शेयर करता था वो इन्फॉर्मेशन सर्कस में प्लांट रशियन मोल अपने हैंडलर एलेक्सी के थ्रू कार्ला तक पहुंचा देता था। यानी शुरुआत से ही हम लोग कार्ला के चेस पीस हैं। उसने जिम का मिशन फेल करवाया और तुम दोनों ने कंट्रोल को सर्कस से निकाल दिया और फिर तुम लोगों ने कार्ला को सर्कस में आने का मौका दे दिया। वेल्डन बॉस, वेल्डन। तो दोनों सीनियर घबराते हुए कहते हैं, अब स्माइली तुम ही कुछ कर सकते हो। अगले दिन पीटर और स्माइली टोबी को एक एयरपोर्ट उठा लाते हैं जहां स्माइली टोबी को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हें हंगरी भेजा जा रहा है जहां तुम्हें एज अ ट्रेटर ट्रीट किया जाएगा। तो टोबी डर के मारे स्माइली को सब कुछ सच सच बता देता है कि मैं, पर्सी, बिल और रॉय हम सभी सर्कस से इन्फॉर्मेशन फाइल्स लेकर रशियन अटैची एलेक्सी को एक सेफ हाउस में इन्फॉर्मेशन देते थे और बदले में वो हमें हाई क्वालिटी रशियन इन्फॉर्मेशन देता था। मगर स्माइली क्लियर करता है कि कार्ला को तो हमारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता थी, वो तो बस सीक्रेटली विचक्राफ्ट के जरिए अमेरिकन इंटेलिजेंस ले रहा था अपने मोल के जरिए। तो टोबी घबराने लगता है कि प्लीज स्माइली, मैंने कोई भी हाई प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की है, ये काम बाकियों का होगा। और ऐसे ही स्माइली टोबी से विचक्राफ्ट ऑपरेशन के सेफ हाउस का एड्रेस ले लेता है और फिर स्माइली, पीटर और मेंडल इस एड्रेस तक पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ पर सर्विस वाली लेडी इन्फॉर्मेशन ट्रेड करने वाली जगह शो करती है। तो स्माइली के दिमाग में एक प्लान आता है और वो एक ट्रैप बिछाता है जिसमें वो सबसे पहले रिकी टार को पेरिस भेजता है और वहां रिकी टार इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज स्टेशन मास्टर को कंट्रोल करके सर्कस के लिए एक मैसेज करवाता है कि उसके पास सर्कस की सेफ्टी से रिलेटेड वाइटल इन्फॉर्मेशन है। और जब सर्कस में ये मैसेज पहुंचता है तो पर्सी, बिल और रॉय एक एक करके जल्दी से सर्कस के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं और वहां ये सीन मेंडल देख रहा होता है और वो स्माइली को फोन करके बताता है कि सर, टिंकर, टेलर और सोल्जर सभी सर्कस पहुंच चुके हैं। वहीं पेरिस के स्टेशन पर पर्सी का मैसेज आता है कि हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल नहीं है। तो रिकी टार हंस के बोलता है कि इस्तांबुल में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, इन्होंने तब भी टाइम खींचने की कोशिश की, फिर वहां का स्टेशन मास्टर मारा गया और इसी वक्त विचक्राफ्ट के सेफ हाउस में स्माइली गन लेकर बैठा हुआ था। उसे मेंडल बताता है कि सर्कस में टिंकर, टेलर और सोल्जर की मीटिंग पूरी हो गई है और ऐसा सुनकर स्माइली भी रेडी हो जाता है क्योंकि असली मोल रशियन को इन्फॉर्मेशन भेजने इस सेफ हाउस में जरूर आएगा। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर एलेक्सी और बिल हेडन आ जाते हैं। तो गाइस शुरू से ही सर्कस का मोल बिल हेडन था जो कि ब्रिटिश और अमेरिकन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कार्ला को भेज रहा था। तो स्माइली उस पर गन पॉइंट कर देता है और बिल हेडन को पकड़ लिया जाता है। स्माइली कहता है कि तुझे पता है कि मुझे तुझ पर शक कब हुआ? जब मैंने कॉनी सेज के घर तुम्हारा और जिम का फोटो साथ में देखा, उसमें
तुम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज थे। तो जब कंट्रोल ने जिम को बुडापेस्ट भेजा था, तब इस बात का तुम्हें कैसे पता चला? जिम पहले से जानता था कि तुम ही रशियन मोल हो, तो वो बुडापेस्ट जाने से पहले तुम्हें वार्न करने आया था कि तुम्हारा राज खुलने वाला है, और शायद जिम ने जानबूझ के तुम्हें उसे धोखा देने का मौका दिया, और शायद यही वजह है कि कार्ला ने जिम को जिंदा छोड़ दिया और उसे इंग्लैंड आने दिया, क्योंकि काफी क्लोज रिलेशन है तुम्हारा जिम से, है ना? इसलिए तुमने कार्ला को फोर्स किया ताकि वो जिम को न मारे। फिर बिल हेडन बताता है कि तुम्हारी वाइफ एना को सीड्यूस करने का ऑर्डर कार्ला ने ही मुझे दिया था। वो तुम्हें खतरा मानता है और तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने मुझे एना को सीड्यूस करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि तुम एना को कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो। इसके कुछ दिन बाद जिमी वहां पे जाता है जहां बिल हेडन कैद है, और उसे अपनी राइफल से शूट करके मार देता है। असल में जिम इसलिए गुस्सा नहीं है कि बिल ने उसे धोखा दिया, वो इसलिए गुस्सा था कि बिल ने उसकी फीलिंग को ठुकरा के कार्ला के ऑर्डर पे स्माइली की वाइफ को सीड्यूस किया। एंड लास्टली जॉर्ज स्माइली को न्यू चीफ ऑफ सर्कस बना दिया जाता है, और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।